वायरल बाबा जी की एक और खबर वायरल। दौरान दबाव वायरल बाबा जी की 18 साल बीवी जमीन पर बैठ गई। उसने क्या वजह बताई जिसे सुनकर सऊदी बादशाह भी तैश में आ गया। जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज के मौके पर हाजियों में उस वक्त हंगामा बरपा हो गया जब वायरल बाबा जी अपनी जवान बीवी के साथ खाने काबा का तवाफ करने पहुंचे। तवाफ के दौरान बाबा जी ने अपनी 18 साल बीवी से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। सऊदी शहजादे ने जब ये देखा तो वहां मौजूद जज कराम के खिलाफ सख्त इकदामात उठाने का ऐलान कर दिया। आखिर ऐसी क्या बात हुई, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली मालूमाती और सबक आमोज वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सकें। दोस्तों, वायरल बाबा जी को आखिर कौन नहीं जानता। पिछले चंद माह से उनकी गर्दिश करती हुई वीडियोस ने कई मुसलमानों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रखा है। हज के मौके पर वायरल बाबा जी हज की अदायगी के लिए खाने काबा तशरीफ लाए। इस बार वो अपनी तीसरी बीवी जो कि 18 साल की है को साथ लाए थे। खाने काबा में वायरल बाबा जी की अपनी तीसरी बीवी के साथ ली गई तस्वीर भी मंजर आम पर देखने को मिली। वायरल बाबा जी इस बार खास लोगों की नजरों में आए थे। वहां आए हुज्जाज कराम ने जब बाबा जी की उम्र देखी और फिर साथ में 18 साल बीवी को देखा तो वो बातें बनाने लगे। वायरल बाबा जी पर तंज करने लगे कि इस उम्र में भी आखिर क्या वजह बनी कि इन्होंने जवान जहान लड़की से ही निकाह कर लिया। इनकी 18 साल बीवी लोगों की बातों को खामोशी से सुनती रही। वहीं बाबा जी जिस मकसद के लिए आए थे यानी हज के फरीजे सरंजाम देने में खुद को मशगूल उन्होंने रखा। मगर दौरान तवाफ जब लोगों के तंज के निस्तर चलने लगे तो कई हाजियों के बीच उनकी 18 साल बीवी फर्श पर बैठ गई। बाबा जी भी रुक चुके थे जबकि वहां मौजूद कई हुज्जाज कराम इस मंजर को देखने लगे। लोगों का गुमान था कि शायद वो लड़की गिर गई है, मगर हकीकत तो कुछ और ही थी। वो तो फूट फूट कर रोने लगी और रो रो कर अपने रब के आगे शिकायत करने लगी। लोगों पर तो सत्तातारी हो चुका था। कुछ का कहना था कि कल यकीनन वायरल बाबा जी ने अपनी बीवी को धमकाया होगा तभी वो रोने लगी, जबकि कुछ तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ खवातीन उस लड़की के करीब गईं और दरियाफ्त करने लगीं कि आखिर माजरा है क्या, वो तवाफ के दौरान क्यों इस कदर रो रही है। वो लड़की खामोश हुई और फिर कहने लगी कि मुझे मेरा शौहर अपने साथ हज पर लाया क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ मिलकर हज का फरीजा सर अंजाम दूं, मगर मैं आज इनसे शर्मिंदा हूं क्योंकि आज मेरी वजह से इन पर लोग तनकीद करने लगे हैं। वो लड़की मजीद कहने लगी कि बाबा जी तो किसी फरिश्ते की मानंद हैं जिन्होंने मेरी मुश्किल वक्त में मदद की। मैं एक यतीम लावारिस लड़की थी, बाबा जी के पास मदद मांगने के लिए आई। मेरा कोई ठिकाना नहीं था, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। मैंने उनसे अपने घर रुकने की पनाह मांगी तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुम मेरे लिए नामहरम हो। मैं तो उनकी अकीदत देखकर इनकी बहुत इज्जत करती थी, फिर मेरे ही कहने पर इन्होंने मुझसे निकाह कर लिया। मगर इस निकाह के बाद लोग इन्हें तरह तरह की बातें सुनाने लगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस मुआशरे की सोच पर कि ये एक हलाल रिश्ते को भी तंग नजर से देख रहे हैं। वायरल बाबा जी की बीवी रोते हुए ये बात कह रही थी, मगर तभी चंद लोगों ने फिर इंतजार फैलाते हुए मनफी बात कही, जिसे सुनने के बाद बाबा जी मजीद खामोश न रह सके और फिर कहने लगे कि हम एक बेहतरीन मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिसका नाम इस्लाम है। हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं। उन्होंने सबसे पहले निकाह जिस हस्ती से किया वो बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा थीं। ये बात तो आज के दौर का हर मुसलमान जानता है कि उस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल जबकि बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक 40 साल थी। इसके बावजूद उन्होंने इन्हें अपना शरीक हयात बनाया। इस्लाम में तो ये कानून कहीं भी मौजूद नहीं कि मर्द या औरत खुद से छोटी या बहुत बड़ी उम्र की शख्स के साथ निकाह नहीं कर सकता। उल्टा इस बात को पसंद किया गया है कि मर्द यतीम और बेवा औरतों से निकाह करे। बाबा जी की बात सुनकर कई लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सर झुकाकर रोने लगे। बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर इन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और वायरल बाबा जी और उनकी बीवी से भी माफी मांगी। दोस्तों, इस्लाम की आमद औरत के लिए गुलामी, जिल्लत और जुल्म व इस्तेसाल के बंधनों से आजादी का पैगाम थी। इस्लाम ने उन तमाम कबीर रसूम का कला कमा कर दिया जो औरत के इंसानी वकार के मुनाफी थी और औरत को वो हुकूक अता किए जिनसे वो मुआशरे में उस इज्जत व तकरीम की मुस्तहक करार पाई जिसके मुस्तहक मर्द हैं। जमाने जाहिलियत का एक दस्तूर यह भी था कि यतीम बच्चियों के मालो जायदाद पर कब्जा कर लेने की गर्ज से
उनकी कफालत करने वाले उनको अपने निकाह में ले आते और लावारिस जानकर उनको खूब सुनाते। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि और अगर तुम्हें यह अंदेशा हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे तो उन मस्कूरा औरतों से निकाह करने के बजाय दूसरी औरतों में से किसी से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद आए, 2 से, 3 से और 4-4 से। सूरह निसा। इसी तरह यतीम बच्चों के माल को बददियानती और इसराफ से भी खर्च नहीं करना चाहिए और न ही उनको उस वक्त तक ये माल सुपुर्द करना चाहिए जब तक कि अक्ल व शऊर कामिल बेदार ना हो जाए। बस जब वो अपने सने रुश्त को पहुंच जाए और उनमें अक्ल व शऊर बेदार हो जाए तब उनकी अमानत उनके सुपुर्द की जाए। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है और यतीमों को जांचते रहो यहाँ तक कि जब वो निकाह के लायक उम्र को पहुँच जाए, तो अगर तुम ये महसूस करो कि उनमें समझदारी आ चुकी है तो उनके माल उन्हीं के हवाले कर दो। सूरह निसा। यतीम उस नाबालिग बच्चों को कहा जाता है कि जिसके सर से उसके बाप का साया उठ गया हो और वो शफकत पिदरी से महरूम हो गया हो। इस्लाम ने मुसलमानों को यतीम बच्चों के हुकूक अदा करने और उनके हुकूक की निगरानी करने की बड़ी सख्ती से ताकीद की है। यतीम बच्चों को अपनी आगोश मोहब्बत में लेकर उनसे प्यार करना, उनको वालिद की तरफ से मीरास में मिलने वाले मालो असबाब की हिफाजत करना, उनकी तालीम और तरबियत की फिक्र करना, सने शऊर को पहुंचने के बाद उनके मालो असबाब का उनके हवाले करना और उन्हें उसका मालिक बनाना और बालिग होने के बाद उनकी शादी ब्याह की मुनासिब फिक्र करके किसी अच्छी जगह उनका रिश्ता तय करना, इस्लाम की वो जर्री और रोशन तालीमात हैं जिनका उसने हर एक मुसलमान शख्स को पाबंद बनाया है। जमाने कबल अज इस्लाम में आए दिन अरबों में बाहिमी कत्ल कताल और किश्त खून रेजी जारी रहती थी जिसके नतीजे में बीसियों मासूम बच्चों को दागे यतीमी मिलता और उसके बाद उन पर जुल्म और सितम का एक नया दौर शुरू हो जाता। खानदान के खुद कफील लोग उनके मालो असबाब पर काबिज हो जाते, उनकी जायदादें हड़प कर जाते, उनको तालीम और तरबियत से आरी रखते और उनका किसी मुनासिब जगह रिश्ता तय करके उनकी शादी ना करते। नतीजा ये निकलता कि ये बच्चे कल जब अपने सने शऊर को पहुँचते और आकिल बालिग हो जाते तो उनके हाथ में सिवाय गुलामी और असीरी, अफलास और तंगदस्ती और मुनासिब तालीम और तरबियत से महरूमी के सिवा कुछ भी ना आता। लेकिन जब इस्लाम ने अपनी किरणें बिखेरी और वो इस दुनिया में आया तो उसने अपनी रोशन और मुबारक तालीमात के जरिए यतीम बच्चों और बच्चियों को उनके हुकूक दिलवाए, उनकी हिफाजत और निगहदाश्त की और उनके हकीकी मकाम और मर्तबे से तमाम मुसलमानों को रोशनास किया। तब कहीं जाकर यतीमों पर से जुल्म और सितम का दौर खत्म हुआ और उन्होंने सुख का सांस लिया। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने मुनव्वरा आ जाने के बाद अल्लाह ताला ने यतीमों के हुकूक के मुतालिक चंद मखसूस अहकाम उतारे और यतीमों की सही कफालत न करने वालों को हुक्म दिया कि उनके मालो असबाब पर अपने हाथ साफ मत करो और न ही उसमें खुर्द बुर्द करो कि ये बड़े गुनाह की बात है। यानी यतीम बच्चे जिनका बाप मर गया हो उनके मुतालिक उनके वली और सरपरस्त को ये हुक्म है कि जब वो बालिग हो जाएं तो उनका माल उनके सुपुर्द कर दे और जमाने तौलियत में यतीमों की किसी अच्छी चीज को लेकर उसके मुआवजे में बुरी और घटिया चीज उनके माल में शामिल ना कर दे और उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर ना खाए। मसलन वली को इजाजत है कि अपना और यतीम का खाना मुश्तरक और शामिल रखे, मगर ये जरूर है कि यतीम का नुकसान ना होने पाए। ये ना हो कि इस शिरकत के बहाने से यतीम का माल खा जावे और अपना नफा कर ले, क्योंकि यतीम का माल खाना सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की राह पर गामजन करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।